लॉकडाउन में चल रहा बियर चोपड़ा का लोकप्रिय सीरियल महाभारत तो आप सभी देख ही रहे होंगे। ये शो दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। ये शो साल 1988 में पहली बार दिखाया गया था। सालों बीत जाने के बाद भी दर्शक इस शो को उतने ही प्यार से देख रहे हैं। सीरियल में द्रौपदी का अहम किरदार रूपा गांगुली ने निभाया था। रूपा गांगुली ने द्रौपदी का अहम किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था और इस किरदार से ये काफी लोकप्रिय हुई। वैसे दोस्तों आपको बता दें, छोटे पर्दे पर ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनमें से कौन सी अभिनेत्री हिट रही और कौन सी फ्लॉप। नंबर 5, अश्वनी कालशेकर। साल 1997 में सीरियल एक और महाभारत का प्रसारण किया गया। इसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने निर्देशित किया था। इसमें अश्वनी कालशेकर ने द्रौपदी का किरदार निभाया था, लेकिन ये शो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। नंबर 4, फाल्गुनी पारेख। रामानंद सागर का सीरियल श्री कृष्ण साल 1993 में प्रसारित हुआ था। इसमें अभिनेत्री फाल्गुनी पारेख ने द्रौपदी का किरदार निभाया था। रामानंद सागर का ये सीरियल काफी हिट रहा और फाल्गुनी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। नंबर 3, अनीता हसंदानी। साल 2008 में एकता कपूर सीरियल कहानियां हमारे महाभारत की लेकर आई। इसमें अनीता हसंदानी ने द्रौपदी का किरदार अदा किया था। शो के सभी अभिनेताओं का लुक काफी मॉडर्न रखा गया था। यही नहीं, द्रौपदी के कंधे पर टैटू भी दिखाया गया था। सीरियल को लेकर एकता कपूर की आलोचना भी की गई। नंबर 2, मीनार कुलकर्णी। 2001 में प्रसारित सीरियल द्रौपदी में छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री मीनार कुलकर्णी ने मुख्य किरदार निभाया। सौम्य चेहरे वाली मीनार को सीरियल से अलग पहचान मिली। इसके अलावा मीनार छोटे पर्दे पर कई सीरियलों में नजर आ चुकी। नंबर 1, पूजा शर्मा। स्टार प्लस पर साल 2013 में प्रसारित महाभारत सीरियल में अभिनेत्री पूजा शर्मा द्रौपदी बनी थी। इसमें उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और सीरियल को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। पूजा शर्मा के करियर को द्रौपदी के रोल से काफी फायदा भी मिला। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी अभिनेत्री द्रौपदी के किरदार में सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।